ंग इंजेक्शन्स कौन कौन लगवा सकता है वो खातें जो आ, डिफरेंट किस्म की प्रेगनेंसी से ऊपर नीचे पाँच सात सालों में गुजरी हैं बार बार के सी सेक्शन पहली प्रेगनेंसी का 20 किलो वज़न उतरता नहीं है तो अगली प्रेगनेंसी का फैट एड ऑन हो जाता है इसी दौरान वो पहले बच्चे की केयर कर रही होती हैं रात को जागने से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं नींद पूरी नहीं होती एंड द विशस साइकिल गोज़ ऑन एंड यू कीप ऑन पुटिंग द वेट नंबर टू वो लोग जिनका जेनेटिक मटेरियल बहुत ख़राब है जिनके जेनेटिक मटेरियल में ओबेसिटी है जिनके जेनेटिक मटेरियल में इंटर मैरिज इंटर कज़न मैरिज़ इंटर फैमिली शादियों की वजह से जेनेटिक मटेरियल बहुत स्टेगनेंट हो चुका है और उन लोगों के अंदर टेंडेंसी है कि उनके अंदर फाइब्रॉइड वेरियंसिस ओवरीज और उसके साथ साथ फैट को गेन करने की कैपेसिटी जो है वो जेनेटिकली एक मेल फॉर्म डी की सूरत में नज़र आती है और जब उसके ऊपर से इन्वामेंटल कंडीशनिंग होती है यानी उनको एनवायरमेंट ऐसा मिलता है जेनेटिक मटेरियल को जंक खाना या थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेना या एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस या जॉब का स्ट्रेस तो मोटे बाल और हॉर्मोन्स के सारे प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाते हैं नंबर थ्री पे वो लोग हैं जिनका बीएमआई जो है वो ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन से ऊपर है वो सब लोग फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस को टाइमली शुरू करके अपने बीएमआई को नॉर्मल जगह पे रख सकते हैं वरना अब हमारे पास जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त वो ज़्यादातर डॉक्टर्स उनको रेफ़र कर रहे हैं हमारे पास यानी वो लोग जो इमोबलाइज हो चुके हैं उनका वेट जो है वो टू सेवेंटी टू एटी टू नाइन्टी पाउंडस पर है और उनके घुटने जो हैं वो अब मूवमेंट नहीं कर सकते उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसी किस्म का एक्सरसाइज अफोर्ड नहीं कर सकती उनके एंकल जॉइंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स ने उनको हर किस्म की एक्सरसाइज से मना कर दिया हुआ है तो ऐसे लोगों की आ, के लिए फैट रिजॉल्विंग इंजेक्शन एक परमानेंट सोलूशन के तौर पर सामने आए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आ, पीपल आर वेरी हैप्पी एक दो सेशंस के अंदर ही लोगों को बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं नंबर थ्री पे जो मर्द हजरात खा 40 प्लस पे हमारे जो मर्द हैं पाकिस्तान में उनको हार्ट अटैक का जो रेट है वो पूरी आपको पता है 40 टू तो 50 परसेंट इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह क्या होती है कि उनके दिल के ऊपर उनके लिवर पे, उनकी किडनी पे बहुत सारा फैट जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ होता है और ये फैट बहुत ही बुरे तरीके से उनकी आर्टरीज़ को वेंस को उनकी शरीयनों को क्लॉक कर रहा होता है उसको रोक रहा होता है खून की सप्लाई को रोक रहा होता है जिससे ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक फैटी लिवर ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री किडनी फेलियर्स हो रहे होते हैं तो ऐसे सब लोग जो घुटने जोड़ कमर की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड लम्बर स्पाइनल कॉर्ड, और जो अपनी हिप बोन एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हार्ट इशूज़ और डिफरेंट किस्म के मसाइल का शिकार हैं यहाँ तक कि जब आप हमारे साथ दो तीन सेशंस लेते हैं आपका आठ से दस से बीस इंचेस तक फैट लॉस होता है तो नाइन्टी परसेंट क्लाइंट्स की शुगर ब्लड प्रेशर एपिलिप्सी किडनी और लिवर की दवाइयाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं और खसूस डिप्रेशन की मेडिसन लोगों की ख़त्म हो गई हैं क्योंकि डिप्रेशन और वेट गेन का बहुत गहरा ताल्लुक है जो लोग परसिस्टेंट मोटे रहते हैं ना वो अच्छा पहन सकते हैं ना वो सोशलाइज कर सकते हैं जहाँ जाते हैं लोग उनको एक डिस्कशन का एक वो जरिया बन जाते हैं लोगों के लिए एक बहुत ही आ, आ, उनके लिए डिफ़िकल्ट लाइफ होती है हेल्थ वाइज भी डॉक्टरों के रूल रहे होते हैं कभी एम आर आई कभी सी टी स्कैन कभी ब्लड टेस्ट कपड़े कोई पूरे नहीं आते समझ कुछ आती नहीं कहाँ जाते हुए क्या करें जहाँ जाते हैं यही डिस्कशन होती है तो डिप्रेशन की दवाइयाँ शुगर ब्लड प्रेशर मेद की दवाइयाँ लिवर की दवाइयाँ रोमोटाइड ऑथराइटस की दवाइयाँ मल्टीपल स्क्रोजिज़स की दवाइयाँ सब पेन किलर्स उनके बिल्कुल 80 परसेंट तक ऑफ हो जाते हैं तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन ये सब लोग लगवा सकते हैं लगवा कौन नहीं सकता वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी